मुझे लगता है आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो दिन आपकी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएंगे। आपने जितना सोचा था उससे ज्यादा अमीर हैं आप। आपके पास डैड हैं, दो बच्चे हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। एमिर और सोना सच में आपसे प्यार करते हैं और वो हमेशा आपका साथ देंगे, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उस एसोसिएशन के मेंबर हैं या नहीं। जो प्यार आपको मिला है वो खरीदा तो नहीं जा सकता ना। मैंने कहा था ना तुम नहीं समझ सकोगी। नहीं, मैं पूरी तरह समझ रही हूं। मैं बस ये कह रही हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कभी अकेले लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। आपके साथ आपकी फैमिली है जो हर हाल में आपका साथ देगी। डैड, एमिर और सोना तीनों हमेशा आपके साथ रहेंगे, चाहे जो हो जाए। मैंने आपके आदमियों से कहा पर ये समझ ही नहीं रहे। आपको जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी। इतने पैसे आपने कभी नहीं देखे होंगे, पर प्लीज हमें यहाँ से जाने दीजिए। अगर आपके पास इतना पैसा था तो मेरे पास आए। छोड़ दो इन्हें। अगर तुम आओगे तो मैं जी भर के तुम्हें बेचता और फिर वापस भेज देता, लेकिन मैं मुश्किल में नहीं पड़ना चाहता। किस्मत वाली हो तो तरहून खान नाम से हो तुम। बांध दो इसे। छोड़ दो मुझे और खामोशी से खत्म कर देना इन्हें। तुम बेकार ही इतनी कोशिश कर रहे हो, मैं कह रही हूं तुम पछताओगे। ले जाओ इन्हें, ले जाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। कहां ले जा रहे हो मुझे? Excuse me. Yes. क्या यहाँ एक और टोबैको स्टोर हाउस है? हाँ, आपको बिल्डिंग के पीछे वाले रास्ते पे एक स्टोर मिल जाएगा, आप वहाँ चले जाइए। अच्छा, ठीक है। थैंक यू सो मच। You're welcome. हेलो बॉस। लैला से कोई खबर? तुमसे कुछ सवाल पूछा? मैं अच्छे मूड में हूँ, जवाब दो मुझे। मुझे गुस्सा मत दिलाना। नहीं, मैं उसे फोन करता हूँ ताकि वो तैयार हो जाए। हेलो लैला, तुम तैयार हो क्या? गुड।
मैं जल्दी निकल रहा हूँ, तुम्हें पिक करने के लिए आता हूँ। ओके। क्या कर रहे हो? तुम्हारा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ क्या? देखो तुम लोग गलत कर रहे हो, अगर सबको पता चल गया तो तुम्हारा बॉस तुम्हें धोखा दे देगा, वो सारा दोष तुम्हारे सिर पर डाल देगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि हमें जाने दो, हम लोग किसी से नहीं कहेंगे, तुम्हारा नाम किसी को नहीं पता चलेगा। तुम लोगों के पास अभी भी वक्त है, हम लोगों को जाने दो और इन सब से बाहर निकल जाओ। हम पहले से इससे बाहर है, बस तुम्हारी कब्र खोदने का काम। ये सब करके तुम बच नहीं पाओगे, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। अपनी बकवास बंद करो। ब्रदर, काम हो गया। ब्रदर, इसका पॉइंट सही है, अगर ये दोष हम पर आता है, अगर बॉस हम पर आरोप लगाता है तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर इसने ऐसा किया तो बॉस आ रहे हैं, अभी चुप रहो और गुस्सा मत दिलाना। ऊपर वाले मदद कर।